सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, जो आपका एक फाउंडेशन चलता है उसके लिए आपकी बहुत मांग थी कि चौधरी चरण सिंह के लिए जो है भारत रत्न दिया जाए। इसके लिए मैं आपके लिए सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे सर जी, आज कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, ये पूरे देश के किसानों का 70% जो देश का किसान है, जो चौधरी साहब को मसीहा मानता है, और जो चौधरी साहब के द्वारा स्थापित दल, जो राजनीतिक दल 1980 में लोकदल के नाम से उन्होंने बनाया था, और उस हमारे उस लोकदल की जो चौधरी साहब ने बनाया था, जो संस्थापक हैं, उनकी काफ़ी समय से मांग थी कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह इस देश के किसानों के दिलों में बसते हैं। और आज खाली लोकदल ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उनके प्रत्याशी अपने अपने चुनाव में चौधरी साहब की तस्वीर लगा के वोट मांगते हैं। तो आज देश के किसान मसीहा चौधरी साहब को, जो भारत सरकार ने फैसला किया है भारत रत्न देने का, लोकदल उसका स्वागत करता है और लोकदल धन्यवाद देता है भारत सरकार को कि उन्होंने आज चौधरी साहब को भारत रत्न दिया। और ये निश्चित रूप से देश के 70% किसान इस फैसले से बहुत खुश होंगे और इस देश के किसानों की एक खुशी का एहसास होगा भारत रत्न मिलने से। तो लोकदल उसका स्वागत करता है और लोकदल चाहता है कि जो चौधरी साहब हमेशा कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहानों से ऊपर जाता है, तो गांव खुशहाल करने पड़ेंगे और इसके लिए किसान को खुशहाल करना पड़ेगा। तो भारत सरकार से लोकदल पुनः कहता है कि आज MSP की जो किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाए, उसको जो कानून बनाना है वो भी जल्द बनाए ताकि इस देश का किसान खुशहाल हो सके और देश का किसान खुशहाल होकर देश के किसान को आगे बढ़ाने के लिए, जो चौधरी साहब का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए। सर जी, अगर लोकदल की अगर बात करें तो लोकदल एक ऐसी पार्टी है, आज तक लोकदल ने किसी का विरोध नहीं किया और जो हर किसी के दिल में बसती है, ऐसे क्या खास काम है लोकदल के? देखिए, लोकदल इस देश का प्रमुख दल था जो गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ, उस समय जो इंदिरा जी की सरकार थी उसके खिलाफ लोकदल पूरे देश में विभिन्न राज्यों में, चाहे हरियाणा में देवीलाल जी हो, चाहे बिहार में कर्पूरी ठाकुर हो जो लोकदल के नेता थे, चाहे राजस्थान में कुंभाराम मार्य दौलत राम सारण हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव चौधरी राजेंद्र सिंह जी हो, तो ये सभी प्रदेश के अलग अलग भागों में, चाहे उड़ीसा में बीजू पटनायक हो, ये सब लोकदल के साथ मिलकर देश की कांग्रेस सरकार का विरोध करते थे और गैर कांग्रेसवाद को साथ लेकर लोकदल चलता था और उसमें जनसंघ भी शामिल होता था। एक जमाने में जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी की पहली पार्टी थी, वो भी शामिल होता था। सर जी, कल आपको मालूम होगा किसानों के साथ कुछ हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, देश का किसान दिल्ली में एक ही मांग को लेकर आ रहा है कि किसान को MSP का कानून मिला, कानून बनाया जाए। निश्चित रूप से आप जानिए कि अगर आप चौधरी साहब को सम्मान दे रहे हैं तो किसानों की उस मांग को, जो चौधरी साहब भी कहते थे कि देश की खुशहाली के लिए उसको गांवों को खुशहाल करना पड़ेगा, किसानों को खुशहाल करना पड़ेगा और उसके लिए किसान को MSP का कानून बनाना पड़ेगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, तो उसके लिए केंद्र सरकार को कानून शीघ्र से शीघ्र बनाना चाहिए MSP का, ताकि देश का किसान इस तरह के आंदोलनों से परहेज करे और देश का किसान को जब न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा तो देश का किसान खुशहाल होगा और देश तरक्की के रास्ते पर जाएगा और भारत विकसित देश बनेगा। सर जी, आज पूरे भारत में इंस्टाग्राम या TV हर जगह चौधरी जी दिखाई दे रहे हैं, उनकी एक विशेषता, एक खासियत कुछ ऐसी बताएं जो हमारे दर्शकों को पसंद आए। देखिए, वैसे तो उनकी सारी खास खूबियां थी, उन्होंने सिर्फ एक कुछ। चौधरी साहब वो नेता थे तो बहुत ही सीधे सरल व्यक्तित्व के नेता थे और जो किसानों के लिए देश की संसद तक पहुंचे थे। चौधरी साहब, जब चौधरी साहब का स्वर्गवास हुआ तो चौधरी साहब के खाते में मात्र 482 रुपए थे। चौधरी साहब देश के ऐसे किसान नेता थे जिनके पास ना कोई घर था, ना कोई मकान था, ना कोई जायदाद थी, और जब वो स्वर्गवास हुआ तो उनके पास में मात्र 482 रुपया था। इतना ईमानदार नेता इस देश में कोई दूसरा, शायद लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद चौधरी साहब ही देश के ईमानदार नेताओं में होते थे। ये जो आज नेताओं के आज जो चरित्र जो एक तरह से हो गया है और नेताओं पर जनता का विश्वास नहीं है, उसका कारण है कि नेताओं का चरित्र नहीं बचा है, नेताओं का एक वो नहीं बचा है। चौधरी साहब को सुनने के लिए गांव से लोग अपने बसों में अपने आप पहुंचते थे, अपने आप किराया खर्च करते थे और अपने आप बसें कर करके पहुंचते थे। और देश का किसान एक बीघा खेत चौधरी साहब के लिए करता था कि अगर 10 बीघा खेत अपने लिए कर रहा हूं तो 1 बीघा खेत चौधरी साहब को मदद करूंगा। तो चौधरी साहब की मदद पूरी किसानों द्वारा होती थी और लोकदल उसके साथ मिलकर चौधरी साहब के, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ता था पूरे देश में। आज सर जी, आपने ये बहुत ही अच्छी बात बताई है कि किसान भी वैसे ही चाहते थे कि अपना 1 बीघा खेत उनके नाम के लिए। सर जी, जैसे मान लिया जाए किसान जो है फिर से अगर आंदोलन करते हैं, अगर वहां लोकदल की कुछ जरूरत पड़े या आप लोगों के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो आपका क्या सहयोग रहेगा किसानों के प्रति? लोकदल हर इस देश के किसान आंदोलन में किसानों के साथ है, क्योंकि किसानों को जब तक पैरों पर नहीं खड़ा करेंगे तब तक इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है। आप कितना ही
औद्योगिकीकरण करना है, कितने बड़े बड़े सपने दिखा दें, लेकिन जब तक गांवों को खुशहाल नहीं करेंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं देंगे, महंगाई के हिसाब से कि अगर सोने का दाम 600 गुना बढ़ता है, सरकारी कर्मचारी की गुना तनख्वाह 700 गुना बढ़ती है, तो किसान का फसल का दाम भी 600 गुना बढ़ना चाहिए। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक किसान के बच्चे खेती छोड़कर कोई मजदूर बनेगा, कोई दिल्ली बंबई में आके ऑटो चलाएगा, कोई सड़कों पे रेड़ी लगाएगा, कोई पकौड़े तनेगा। तो अगर आपको इस देश की किसानी बचानी है, जो भारत जब आज़ाद हुआ तो देश की GDP में उसका खेती का अनुपात 62% था, और आज भारत के पूरे GDP में खेती का अनुपात 12.5% से भी कम है। तो अगर आप चाहते हैं कि देश कृषि प्रधान देश और खुशहाल बने, तो उसके लिए आपको किसानों को फसल का दाम देना पड़ेगा, नौजवानों को ग्रामीण स्तर पर रोजगार देना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं देंगे तब तक भारत विकसित नहीं बन पाएगा, ये लोकदल का मानना है। इसलिए अगर आप ऐसा करेंगे तभी देश खुशहाल होगा, ये लोकदल चाहता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।